पीएम मोदी के खिलाफ मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस जीत गई है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस सेवा दल के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज से शुरू किया गया। पटना के सदाकत आश्रम में सेवा दल के अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही बिहार के हर बूथ तक कैसे कांग्रेसियों को जोड़ा जाए, इसका भी गुण सिखाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने 3 गांधी दिए हैं और लड़ाई 3 मोदी से लड़नी है। कांग्रेस सेवा दल द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत हुआ है आज 8, 9, 10 उसी का उद्घाटन कार्यक्रम सत्र बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी द्वारा किया गया है। और ये प्रशिक्षण बिहार के विभिन्न जिलों से लोग आए हैं, 125 लोग अभी आए हैं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे इस कड़ी में, और ये निरंतर लगातार चलते रहेगा। लगातार वर्षों तक का कार्यक्रम है, हमेशा चलते रहेगा। प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक प्रखंड में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। बूथ लेवल तक जोड़ने की बात आप कह रहे थे अभी भाषण में जी, कि किस तरह से पार्टी को मजबूत कीजिएगा आप लोग? बूथ लेवल स्तर तक का काम करेगा कांग्रेस सेवा दल, और जल्दी सारे काम की शुरुआत हो चुकी है। बूथ स्तर तक जाएगा और ये इसमें इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अपना ये तैयारी हमेशा करते रहा है और आगे भी करते रहेगा। आज आपको अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है? हाँ, मुझे लालजी भाई देसाई जी द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है, और उसी का आज प्रशिक्षण समारोह शुभारंभ, साथ ही साथ मेरा शपथ समारोह भी था। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा? जो कांग्रेस सेवा दल का जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के इसके बारे में, और अभी जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, अभी जो क्या है मैसेज, क्या देना है, क्या दिया जा रहा है, सच्चाई क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, उसी के रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम ही काम करेगा सेवा दल। सेवा दल के इस पहल से बिहार कांग्रेस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला? डेफिनेटली अपना पार्टी मजबूत होगा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मजबूत होगा। अखिलेश बाबू के नेतृत्व में ये काम चल रहा है। विभिन्न प्रकोष्ठ, जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ हैं, NSUI है, महिला हैं, सेवा दल है, सभी पर हमारे अध्यक्ष जी की निगाहें हैं और सबको एक्टिव कर रहे हैं, और इससे क्या है कि कांग्रेस अपने पैरों पर भविष्य में खड़ा होगी। कौन कौन लोग प्रशिक्षण देंगे और किनको प्रशिक्षण देंगे? प्रशिक्षण हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, अभी शुरुआत हुई है। और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली से मधु गुरंग मैम आई हैं, हिमाचल से पवन जी आए हैं, और बिहार प्रदेश के एक राष्ट्रीय नेता हैं नारायण सिंह जी, वो मिलकर तमाम और टीमें हैं, उन सब टीमों के साथ मिलकर अभी शुरुआत हुई है, और ये प्रखंड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक का इसकी ट्रेनिंग की काम करने का काम होगा। डॉक्टर संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। संजय जी, एक छोटा सवाल, अभी कौन होती 3 मोदी? अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेवा दल ने 3 गांधी दिया, और अभी जो हालात है 3 मोदी हैं, आप जानते हैं बखूबी बेहतर ढंग से। कौन है वो 3? सब पूरा देश जानता है हम लोग किससे लड़ रहे हैं। हम लोग के कैसे लड़ेंगे? लड़ाई बूथ स्तर तक लड़ा जाएगा, लड़ाई आगे देखिए कैसे लड़ा जाता है बिहार से लेकर पूरे देश तक।